इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पार्लियामेंट की मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इलेक्शन के इनेकास से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। मज़ीद जान लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद समग्र नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान जावेद मलिक, अहम इजलास से मुतालिक आगाह करें। देखें, ये अहम इजलास सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहे हैं और आज के इजलास में दो अहम एजेंडे ज़ेर गौर हैं, जिसमें एक तो कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों का मामला है वो ज़ेर गौर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत जो इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर की थी रिव्यू की, उन तमाम मामलों पर आज इलेक्शन लाविंग ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो सैनेट के खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का मामला है वो भी आज के इजलास के एजेंडे पर शामिल है और इस पर भी ला विंग की जानिब से और जो दीगर मुतलका विंग्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में ब्रीफिंग दे रहा है और इसके साथ साथ जो इंतखाबात की तैयारियां और जो रुकावट का मामला है उन पर भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जा रही है और इन तमाम जो अहम जो एजेंडा है वो आज के इजलास में शामिल है और आज के इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलामिया जारी हो कि आज के इजलास में क्या फैसला किया गया है और आज जो कौमी और सूबाई असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं वो मामला इस वक्त ला विंग की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान।